हेलो फ्रेंड, मैं उसियानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक बैग ब्लाउज डिजाइन शेयर करनी चाह रही हूँ। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई इसकी 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, 5.5, आर्महोल की भी चौड़ाई 5.5 5.5 इंच है। गले की चौड़ाई में देखिए 2.5 2.5 इंच रख रही हूँ। नीचे की साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे, चौड़ाई रखते हुए 3 इंच नीचे का चौड़ाई रहेगा। दोनों मार्किंग को बराबर करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। गले की लेंथ देखिए मैं 10 इंच रख रही हूँ, 10 इंच अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डीपनेस चाहिए उतना मार्क कर सकते हैं। यहाँ से गले की डिजाइन का मार्क कर देंगे। तो मैंने मटका शेप में गले की मार्किंग कर दी। सेम इसी तरीके से बिल्कुल बराबर में कटिंग कर दीजिएगा गले की। अब इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया, दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रखेंगे और गले को बिल्कुल बराबर करते हुए फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो दोनों के गले को कटिंग कर दिया, दोनों को बराबर रख लिया, पिन कर दिया, इसे गले को स्टिच करने बराबर रहेगा। अब देखिए मैं दोनों पार्ट्स को एक साथ में कैसे अटैच करें। इसी तरीके से आपको दोनों पार्ट को मिला तो एक साथ में पूरा अटैच कर देना है। मैंने कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग करते हुए आपको दिखा दिया। अब इसके गले पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से ये प्रॉफिट रहेगा, जब गले को आप पलट कर सीधा करेंगे तो डिजाइन बिल्कुल बराबर सेम एंड साइज में आएगी। तो मैंने छोटे छोटे कट पूरा लगा दिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई बहुत बची थी। अब इसको देखिए पलट कर ये सीधा कर दिए हैं। इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं, इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे, इससे गले की डिजाइन उभर कर दिखने लगेगी। मैंने ये गले की फिनिशिंग आपको देते हुए दिखा दिया है। ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और इसके साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ में स्टिच कर लेंगे पूरा। मैंने देखिए कम्प्लीटली ऑल राउंड स्टिचिंग ब्लाउज की कर दिया है। अब नीचे की साइड इसके टक्स लगाएंगे। देखिए बराबर माप ले लीजिएगा। माप लेते हुए दोनों साइड से आपको इक्वली टक्स लगाना है। तो एक साइड से स्टिचिंग कर लिए टक्स की, दूसरे साइड से माप लेते इसी तरीके से टक्स को स्टिच कर लेंगे। अब जो टक्स बनाने के बाद नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, उसके लिए मैंने देखिए पट्टी कट की अस्तर की, इसको बराबर नीचे के साइड से आपको रखना है और फिर सिलाई लगाते इसको नीचे के साइड से पहले स्टिच कर देंगे। अब जो पट्टी मैंने ये ज्वाइंट की है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे फैलाइएगा, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा तो इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। ये फिनिशिंग हो चुकी है। पट्टी को आपको डबल फोल्ड करना है, ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट कर देना है, इसके ऊपर से पूरा अच्छे से स्टिच कर देंगे। पट्टी को नीचे का बॉर्डर बना देंगे। तो मैंने ये देखिए पूरा बॉर्डर बना लिया सिलाई लगाते हुए। अब ब्लाउज मेरा कम्प्लीटली बन चुका है। इसके गले पे डिजाइन करेंगे। तो ब्लाउज साइड रखते हैं और डिजाइन बना के दिखाएंगे। तो मैंने एक पट्टी ले ली है, पट्टी की को पहले डबल आपको फोल्ड करना है और इसकी एक मीडियम साइज की डोरी बनाएंगे। देख लीजिए मैं डोरी की स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ। एंड तक डोरी थोड़ी लंबी रखिएगा, इसी तरीके से एंड तक मीडियम साइज में इसको स्टिच कर दीजिएगा। इसकी चौड़ाई आप 2 इंच या 1.5 इंच जितना आपको डोरी लेनी है। टाइट डोरी बनाएंगे तो आपको 2 इंच ले लीजिएगा, या 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे तो भी आ जाएगा। तो इसको एक साइड से इस तरीके से निडल बांधेंगे, फिर इसके बीच से डालते हुए सुई को दूसरे साइड से आपको खींचते हुए पलट कर सीधा कर लेना है। ये देख लीजिए डोरी मेरी सीधी हो चुकी है, लमसम थोड़ी सी बाकी है। ये कम्प्लीटली मैंने सीधा कर लिया है। अब डिजाइन करने के लिए इसको कटिंग करेंगे। तो 3 इंच की लंबाई पे मैं इसमें माप लूंगी। तो 3 इंच के बराबर में इसमें जितनी पट्टियां हैं सबको इक्वली फोल्ड कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए इक्वली सबको फोल्ड कर दिया। अब इसको दोनों साइड से कटिंग करते हुए अलग अलग पार्ट में कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कट करके अलग अलग कर दिया। ये डिजाइन इसको साइड रखेंगे और मैंने ये कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट की। इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी वो 3 इंच रखी। इनको 4 पार्ट क्रॉसिंग में आपको पहले फोल्ड करना है, फिर इसके साइड के दोनों कॉर्नर को फोल्ड कर देना है। अंदर की साइड पे नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए डिजाइन को स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से मैं आपको इसके कुछ डिजाइन बना के दिखाती हूँ, और सारे डिजाइन सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। तो ये डिजाइन मैंने कैसे बना के दिखाया आपको समझ में आया होगा। ऐसे पूरे डिजाइन बना लीजिएगा। थ्रेड को कटिंग कर देंगे और इन डिजाइनों को पहले साइड रखेंगे।
आई का डिजाइन बनाने के लिए मैंने देखी न्यूज़पेपर लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रख दिए हैं। इसके ऊपर ब्लाउज को भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखिएगा, और जिस तरीके से गला है इसके गले के आधे एरिया तक आपको डिजाइन बनाना है, तो आधे के बराबर में मार्किंग कर लीजिएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर देंगे। अब जैसे ये मार्किंग की न्यूज़पेपर पे सेम इसी तरीके से पूरी कटिंग कर देंगे। कटिंग हो चुकी है, अब न्यूज़पेपर के ऊपर डिजाइन भी करेंगे। तो मैंने ये जो डिजाइन बनाई थी उसको ले लिए हैं, और जितने डिजाइन है सभी डिजाइनों को देखिए मैं कैसे अटैच कर रही हूँ न्यूज़पेपर के ऊपर। इसी तरीके से इक्वली बराबर रखिएगा, बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और बराबर रखते हुए पूरा डिजाइन इस पे जितना एरिया है न्यूज़पेपर का पूरे एरिया पे अटैच कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा ये स्टिच कर दिया है। इस पे पाइपिंग करेंगे तो इसको साइड रखते हैं, और मैंने देखिए पट्टी ली स्ट्रेचबल है, क्रॉस में कटिंग के इसको डबल फोल्ड करना है आपको, फिर इसके साइड से सिलाई लगाते हैं, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में स्टिच कर देंगे। तो मैंने सिलाई लगाते हुए एंड तक पूरा अच्छे से स्टिचिंग इसकी कर दी है। अब जो ये पट्टी है इसको साइड रखेंगे, डिजाइन लेंगे, डिजाइन के साथ में इस पट्टी को बिल्कुल बराबर में अटैच करना है। तो देख लीजिए मैं कैसे इसको स्टिच करती हूँ, बना रही हूँ, इसकी साइड से बिल्कुल ऐसी तरीके से बिल्कुल अटैच कर दीजिएगा पट्टी को। एक्स्ट्रा पट्टी कट करके निकाल देंगे, राउंड करते बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाएंगे, और पाइपिंग बना के अच्छे से सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे पाइपिंग को। मैंने देखिए पूरा कम्प्लीटली ये पाइपिंग बना लिया है। अब इसके गले पे डिजाइन करने के लिए जो डोरी थी डोरियों को ले लिया है मैंने, डोरियों को राउंड करते हुए इस पे डिजाइन करेंगे। तो देख लीजिए पहले एक डोरी लेंगे, उसको पहले सीधा छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरी डोरी लीजिएगा, उसको लुप्स टाइप में गोल करके बनाइएगा, फिर उसको अंदर के साइड डाल के दूसरी डोरी जो मैंने ऑलरेडी पहले लगा रखी है उसी बराबर में उसको भी अंदर डाल दीजिएगा राउंड करते हुए। ऐसे ही डिजाइन आपको पूरी बनानी है तो क्लियर वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से पूरे डिजाइन को डेकोरेट करते हुए बना लीजिएगा। तो देखिए कम्प्लीटली पूरी डिजाइन ये बन चुकी है, इसको साइड रखते हुए ब्लाउज ले लिया, ब्लाउज गले पे डिजाइन को स्टिच करेंगे, दोनों को बिल्कुल बराबर रखिएगा, और सिलाई लगाते हुए दोनों डिजाइनों को एक साथ में अटैच कर देंगे। ये दोनों डिजाइनों को एक साथ में मैंने स्टिच कर लिया है, न्यूज पेपर को रिमूव कर देंगे पूरा, और इसकी डेकोरेशन करने के लिए लेस लिए, लेस को गले पे बिल्कुल बराबर रखिएगा, और नीचे की साइड थोड़ा सा लेस एक्स्ट्रा कट करेंगे, उसको अंदर की साइड फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से सेम डेकोरेशन कर लीजिएगा। डेकोरेशन करने के बाद इसकी और डेकोरेशन करेंगे। मैंने ये डोर मोती ले ली है गोल्डन कलर की, जितनी लुप्स वाली डिजाइन बनी है सभी के बीच से एक एक मोती आपको लगानी है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं मोती लगा रही हूँ इसी तरीके से जितनी डिजाइन है सबको डेकोरेट कर लीजिएगा। मैंने कम्प्लीटली पूरा डेकोरेशन कर दी है, मोतियों को फिर से लेंगे, और जो ये मैंने डिजाइन बनाई है इन डिजाइनों पे भी पूरा डेकोरेशन कर देंगे मोती लगाते हुए बीच से की। तो कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की डेकोरेशन देखिए मैंने कर दिया है, मेरी ब्लाउज डिजाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये डिजाइन मेरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन साथ, जो ऐसा ब्यूटीफुल सिंपल आपको इजी तरीके समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।